इंडिया में सारी शादियां मोहब्बत करके नहीं होती। हमारे देश में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी फैमिलीज दो स्ट्रेंजर्स को मिलाती हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है और वो सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता देते हैं। अब खुशी खुशी या दुखी दुखी उसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, पर अब जब दो स्ट्रेंजर्स साथ रहने लगते हैं, उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की है, तो बहुत नेचुरल है कि कुछ फ्रिक्शंस होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। पता नहीं उन लोगों की आपस में उस तरह से एडजस्टमेंट होगी कि नहीं जैसे एक कपल की होनी चाहिए। तो ऐसे में क्योंकि हमारी फैमिलीज हैं, उनके पास एक ट्राइड एंड टेस्टेड डेटा भी है कि इंडिया में तो बहुत कम डिवोर्स रेट है अरेंज मैरिजेस का, तो उनको पता है कि ये शादियां कैसे चलानी है। तो एक एडवाइस बहुत बढ़िया मिलती है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, बेबी प्लान कर लो, चलो बच्चा पैदा कर लो, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखो जिंदगी में जब बच्चा आ जाता है तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता और स्ट्रांग हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो जब शादी नहीं चल रही हो, ये एक एडवाइस काम करती है कि बच्चा पैदा कर लो और अपनी शादी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। सवाल ये उठता है कि क्या ये एडवाइस काम करती है, ये जो सलाह हमारे को इंडिया में बड़े आराम से मिल जाती है, क्या ये एक्चुअली काम करती है? एक बार के लिए अपना खुद का लॉजिक लगा के देखिए। जब हम सिंगल थे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, जब हम एक से दो हो गए, आई मीन एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, दो लोग आए साथ में और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब जो एक से दो होने पे प्रॉब्लम हुई है उनको हम दो से तीन होकर सॉल्व करेंगे, मतलब एक और नया क्रिएचर क्रिएट करके वो प्रॉब्लम घट जाएंगी कि बढ़ जाएंगी, ये तो हमारे खुद के सोचने वाली बात है। अब एक बात तो पक्की है कि बच्चे ग्लू का काम तो जरूर करते हैं। जब लाइफ में बच्चे आ जाते हैं तो कपल समहाउ उनको साथ में रहना पड़ता है, अगर आपस में एक दूसरे के लिए नहीं तो एटलीस्ट बच्चों के लिए, क्योंकि वो रिश्ता फिर एज पेरेंट्स ज्यादा निपटता है देन एज कपल। लेकिन क्या बच्चों के बाद भी आपने कपल्स को अलग होते नहीं देखा? क्या उस सिचुएशन में सेपरेशन होता ही नहीं है? अब आपने एडवाइस मान के बच्चा तो पैदा कर लिया, अब क्या होगा? इट वॉज नॉट योर प्लानिंग। होगा क्या, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो थी नहीं, एज कपल दो स्ट्रेंजर्स ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे विद द रिलेशनशिप, अब उसमें आ गया बच्चा जिसके लिए दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था। अब फादर तो पेटर्निटी लीव कितने दिन की मिलती है, 3-4-5 दिन की, लेकिन जो मदर्स हैं उनको ज्यादा बच्चे के साथ रहना होता है, तो वो तो अपना पूरा 100% ध्यान उनमें लगा देंगी या उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेकिंग केयर ऑफ एन इन्फेंट इज नॉट अ केक वॉक, तो पूरी रातों की नींद और सब कुछ चला जाता है उसी में। और हस्बैंड क्योंकि उस फादरहुड के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो वो उस माहौल से अपने आप को थोड़ा अलग कर लेंगे, ही विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम इन हिज ऑफिस और विद हिज फ्रेंड्स, वर्कलोड सडनली बढ़ जाएगा एंड ही वुड नॉट वॉन्ट टू कम टू होम बिकॉज ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो वाइफ है वो ये सब करेंगे, उनको पूरी जिम्मेदारी निभानी है क्योंकि अब बच्चा आ गया है। अब वो फ्रस्ट्रेशन अंदर इतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी कि कई बार वो डिप्रेशन की स्टेज तक पहुंच जाती है। ये उठता है कि जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अब बहुत सिंपल सी बात है, जब दो लोग शादी करते हैं तो डेफिनेटली पहली चीज उनके दिमाग में बेबी तो नहीं होती। क्या हम ये सोच के शादी करते कि यार बेबी पैदा करना है चलो शादी कर लें? ऑफ कोर्स हर ह्यूमन बीइंग की कुछ फिजिकल, कुछ इमोशनल एंड मोर ओवर सोशल नीड्स होती हैं जिनकी वजह से वी डिसाइड टू गेट मैरिड। तो अगर वो नीड्स मीट नहीं हो रही हैं तो बच्चा हो या नहीं हो आप उस रिलेशनशिप में खुश तो नहीं हो, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इनफैक्ट वो पाइल अप होती रहेगी, मे बी कुछ टाइम आपके पास वक्त नहीं होगा उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का क्योंकि आप इतने ज्यादा बच्चे को पालने में लग जाएंगे, पर वो प्रॉब्लम समवेयर बैकग्राउंड में बढ़ती चली जाएगी एंड देन इट विल लीड टू सम बिग डिवेस्टेशन। कपल को एक बार साइड में रख दें, उस बच्चे के बारे में सोचिए, उसको किस तरह की लाइफ मिलेगी? एक फ्रस्ट्रेटेड मदर, एक इग्नोरेंट फादर जो घर पे वक्त नहीं बिता रहा है बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी। इट्स अ सिंपल थिंग, मैं ये नहीं कह रही कि फादर का कसूर है, बट जो चीज आप नहीं चाहते थे वो हो रही है तो डेफिनेटली आप अपना रास्ता बदल लेते हो। उस बच्चे को क्या वो पूरा अटेंशन मिल पाएगा?
एक वो बच्चा जो प्लान किया गया है, जिसके लिए पेरेंट्स पूरी तरह से प्रिपेयर थे, जितने प्यार से लगन से वो उसको पालेंगे, और एक बच्चा जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन के साथ बस इसलिए पाला जा रहा है कि उसको पैदा किया गया था टू एक्ट एज अ ग्लू, वो बच्चा कितना इग्नोर्ड और कितना सफर करेगा उस माहौल के अंदर, ये कभी सोच के देखिए। और उस पर से उसको शायद काफी बार ये भी सुनना पड़ेगा कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स हमेशा साथ रहे हैं। उसको ये बताया जाएगा कि उसकी लाइफ नॉर्मल चलती रहे, इसके लिए उसके माँ बाप ने बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं। उसकी लाइफ तो वैसे भी कभी नॉर्मल नहीं होगी। क्या बच्चा आना गारंटी करेगा कि रिलेशनशिप आगे तक बना रहेगा या सक्सेसफुल होगा? अब गारंटी तो आजकल के जमाने में किसी भी चीज की नहीं होती। जो डिसीजन हमारा खुद का नहीं है, जो किसी और की सलाह को हमने माना है, वो सलाह तो कंटिन्यू करती रहेगी। अगर एक बच्चे के बाद भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनफैक्ट और ज्यादा क्रॉप अप हो रही हैं, तो आपको एडवाइस मिलेगी कि दूसरा पैदा कर लो। अगर आप एक बच्चे को पालने में बहुत परेशान हो रहे हो तो एक और पैदा कर लो। उससे क्या होगा कि वो दोनों आपस में लगे रहेंगे तो आपको थोड़ा वक्त मिल जाएगा, तो गो अहेड एक और प्लान कर लो। फिर ऐसे इट विल गो ऑन, दो में नहीं चलेगा तीसरा भी कर लो, आप बच्चे पैदा करते रहो तो ऐसे तो इट विल गो ऑन, ये प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व नहीं होगी। इस तरह से नए इंडिविजुअल को दुनिया में लाके ना तो हम उसे खुशी दे रहे हैं ना अपने आप को। तो भाई फिर इस सब का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक्चुअली हम सबको अपने मन में पता होता है। एक रिलेशनशिप अगर नहीं चल रहा है तो उसको बच्चे की नहीं वक्त की जरूरत है। आई थिंक कम्युनिकेशन और टाइम काफी कुछ हील कर देता है, काफी कुछ ठीक कर देता है। अगर कपल डिलिबरेटली बैठे और इस बारे में बात करे, कन्फ्रंट करे कि प्रॉब्लम है और क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ वक्त देके, तो काफी हद तक चीजें वहां सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स में रूटीन फ्रिक्शन और स्ट्रगल्स के अलावा भी कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जिनके साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड इट्स बेटर कि अगर कुछ ऐसे बहुत अनप्लेजेंट चीजें आपके सामने आई हैं, शादी के बाद आपको कुछ चीजें पता चलती हैं, तो इट्स बेटर कि उन चीजों के साथ कंटिन्यू ना किया जाए। ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में बच्चों को लाना तो और भी गलत है। इनफैक्ट आप उस नई लाइफ के साथ एक इन अ वे आप उसको टॉर्चर कर रहे हो ऐसी कंडीशन में लाके। जब इतनी ज्यादा कोई एक्सट्रीमली खराब सिचुएशन है जिसके साथ में आपके लिए रहना बहुत मुश्किल है, तो उसमें आप एक बच्चे को पालने का या उसको कैसी लाइफ देने के बारे में सोच रहे हैं। इट्स बेटर नॉट टू गो अहेड विद दैट रिलेशनशिप। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम सिचुएशंस है, जो बहुत अनप्लेजेंट कंडीशंस हैं, जो स्पेशली स्ट्रेंजर्स को साथ में रहने के बाद पता चलता है कि वो उसके साथ में नहीं रह पाएंगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं है एक नई लाइफ को आकर उसकी जिंदगी खराब करने का। अब ये तो हुई कपल्स की बात। अब जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो शायद सिर्फ एक दूसरे के बारे में या रिश्ते के बारे में सोचने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम खुद को कुछ प्रायोरिटी दें, खुद को पहले रखने की जरूरत है। जब हम सोचने लगते हैं अपनी खुशियों के बारे में या चीजों को हम कैसे चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस अपने आप मिलने लगते हैं। और बाकी तो डिस्कशन से, कम्युनिकेशन से, कॉन्फ्रंट करके और वक्त देके चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो ये जो फेमस इंडियन सलाह है, इसको मानने से पहले एक बार आपस में चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन वी कैन ऑलवेज गो अहेड। उसके लिए तो बहुत सारा टाइम है। सो ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।